आगरा किला के रहस्यों पर से एक बार फिर पर्दा उठा है। मुगल सल्तनत की बुलंदी की गवाही देते आगरा किला के अमर सिंह गेट पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को काम के दौरान प्राचीन दरवाजा और सीढ़ियां मिली है। दरवाजे से होकर यह सीढ़ियां आगरा किला की प्राचीर पर पहुंचती है। ये निर्माण मुगल काल का है। ब्रिटिश काल में यहां मलबा भरकर उसके ऊपर निर्माण कर दिया गया था। ASI इसे मूल स्वरूप में सहेज रहा है। आगरा किला में पर्यटकों को अमर सिंह गेट से प्रवेश मिलता है। अमर सिंह गेट के अंदर की तरफ बाई व दाई तरफ ब्रिटिश काल में मलबा डालकर भर्त करा दी गई थी। 8 से 9 फीट ऊंचाई तक मलबा भर दिया गया था। उसके ऊपर पत्थर का फर्श कर गार्डन बना दिया गया था। ASI ने 3 वर्ष पूर्व बाई तरफ के मलबे को हटाकर वहां के फर्श का स्तर रास्ते के बराबर किया था। गेट के दाई तरफ के भाग को रास्ते के बराबर में करने को कुछ दिन पूर्व काम शुरू किया गया। पत्थरों को हटाने के बाद जब मलबा हटाया गया तो किले की दीवार में बना हुआ दरवाजा नजर आया। दरवाजे में अंदर की तरफ जब मलबा हटाना शुरू किया गया तो वहां सीढ़ियां मिली। किले की दीवार में बनी हुई सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। ASI ने जीने के ऊपर दीवार पर लगे पत्थरों को हटाकर इस रास्ते को पूरा खोल दिया है। यहां अब फर्श पर रेड सैंडस्टोन लगाया जा रहा है। अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने बताया कि आगरा किला में विभिन्न कालखंडों में अलग अलग समय पर निर्माण किए गए हैं। अमर सिंह गेट के बराबर में मलबा हटाने पर मिले मुगल कालीन दरवाजे व जीने को मूल स्वरूप में सहेजा जाएगा। लाखौरी ईंटों से चिनाई दरवाजे के पास ब्रिटिश काल की भी सीढ़ियां मिली। दरवाजे के पास किले की दीवार से लगी सीढ़ियां भी मलबे के नीचे दबी हुई मिली है। इसमें नीचे के भाग में मलबा भरा हुआ है और उसके ऊपर लाखौरी ईंटों की चिनाई है। दीवार के कुछ भाग में चूने का प्लास्टर भी है, लेकिन इस प्लास्टर में समोसम मिला हुआ है। ब्रिटिश काल में चूने में समोसम मिलाया जाता था, जिससे इसे निर्माण को ब्रिटिश काल में हुआ माना जा रहा है। ASI को वर्ष 1999 में आगरा किला की खाई में दिल्ली गेट के समीप की गई सफाई में ब्रिटिशकालीन 3 तोपें मलबे में दबी मिली थी। दिसंबर 2020 में आगरा किला के दीवान आम परिसर में नीम का पेड़ गिर गया था। खोखले पेड़ की जड़ों में लोहे के बने 2 भारी भरकम गोले मिले थे। एक गोला लगभग 50 किग्रा का था।